स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आज हम किसी भी पार्टिकल की मोशन की बात करेंगे और पार्टिकल है वो कैसे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। सो आज का जो टॉपिक हमारा है, मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। प्लेन का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है, ये बॉर्ड भी क्या है, प्लेन है, ये फ्लोर भी एक क्या है, प्लेन है। प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, या वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा, या एक्स जेड कोऑर्डिनेट होगा, ये आपको क्लियर है। सो मैं प्लेन की बात कर रहा हूं जिसमें ये कोऑर्डिनेट मेरे पास में एक्स है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है। मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं, मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं। हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और वो एक्स वाई प्लेन में एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं, लेट ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को मैं ए नाम दे देता हूं। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन से प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन में एक्सेलरेट हो रहा है। वो क्या है, उसका एक्सेलरेशन ए है और ए क्या है, कांस्टेंट है। साथ में हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पर टी डैश टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो वी डैश है, और टी टाइम बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है। लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t dash is v dash, and velocity of particle at time t, ये t time के बाद में, ये t dash time के बाद में v dash थी, आगे कितने time के बाद में, t time के बाद में becomes, कितनी हो जाती है, v हो जाती है। देन आप क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर लगा दीजिए इस पे। देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो आप किस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले कितनी थी, v डैश, बाद में कितनी होगी, v, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस v डैश डिवाइडेड बाय टाइम, पहले कितना था t डैश, बाद में कितना हो गया t, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, ये t माइनस t डैश। ये क्लियर है, इसको हमको इक्वेशन नाम दे दे, या आप सीधे देखो इस तरह से, ये आ गया आपके पास में क्या, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आने के बाद में देखो, हम ये मान लें कि स्टार्टिंग टाइम पे क्या, एट टी इक्वल्स टू जीरो, हाँ ये ध्यान रखे, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यदि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, देन देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आ जाएगा वी वेक्टर माइनस वी डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इनटू टी माइनस टी डैश, या फिर आप इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा
वेक्टर v इज इक्वल्स टू v डैश प्लस a इंटू टी माइनस टी डैश। यदि हम ये मान लें स्टार्टिंग टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी क्या है u है, और t टाइम के बाद में वेलोसिटी v हो जाती है उस केस में। देखो इनिशियल टाइम पर, इनिशियल टाइम क्या माना आपने, t डैश माना है, t डैश को हम क्या मान लें जीरो, है ना। यदि हम कह दें इन स्टार्ट t डैश इज इक्वल्स टू जीरो, और वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है उसको हम मान लें u मान लें, एंड एट टाइम टी टाइम पर वेलोसिटी हम मान लें फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम मान लें क्या v। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ ये टाइम है स्टार्टिंग टाइम, उसको क्या मान लें आप जीरो इनिशियल टाइम को, और इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसको मान लें u। तो इस इक्वेशन में ये रिप्लेस किया क्या हो जाएगा, और फाइनल टाइम पे वेलोसिटी को हम v मान लें, ये सभी पे क्या लगेगा वेक्टर लगेगा। तो उस केस में क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, और एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो उस केस में ये हो जाएगा आपके पास में क्या, देखिए v डैश को आपको क्या कहा गया है u कहा गया है, तो ये u प्लस a इंटू टी माइनस जीरो। इनिशियल टाइम को क्या कहा गया इसको जीरो, और जीरो टाइम पर वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी नाम देना है। जीरो पर वेलोसिटी क्या थी वी डैश, टी डैश की जगह जीरो और वी डैश की जगह पे यू, टी की जगह पे टी और वी की जगह पे फाइनल वेलोसिटी वी, इनमें तो कोई चेंज किया ही नहीं, यही किया है। अब देखिए यहां पर ये आ जाएगी आपके पास में वेक्टर वी इज इक्वल्स टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए इंटू टी। यदि आप माने कि यदि कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, एक्स डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट वी एक्स है और वाई डायरेक्शन में बी का वी वाई है, इसी तरह से एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट यू एक्स है और इसका ए एक्स है। सो रिजोल्विंग इन डायरेक्शंस, यदि डायरेक्शंस की बात करते हैं इफ, या कहते हम फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर ये नोट कर लिया आपने ये दिए तो इसको नोट कर लिया आप, या मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए आप इसी तरह से इसको कौन से डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन के लिए आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में सिमिलरली फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के लिए होगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इज प्लस ए y इंटू टी, जहां आप समझ गए होंगे यू एक्स क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए एक्स क्या है उसके एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, और वी एक्स क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, और इसी तरह से इनके भी ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करें यदि हम एवरेज वेलोसिटी लिखें, यानी उसकी पोजीशन की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, यदि इसमें हम एवरेज वेलोसिटी यदि लिखना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं इफ एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, यानी इनिशियल टाइम क्या माना है टी इज इक्वल्स टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन वैक्टर कह दो मैं, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कह दो या पोजिशन वैक्टर कह दो, पोजिशन वैक्टर
is r0 vector, and at time t position vector is position vector एज कितना मान ले हम आर मान ले, देन हम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं इसका। एवरेज वेलोसिटी ये तो एक्सीलरेशन का कंसेप्ट निकाला था, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं ये वाला। अब देन एवरेज वेलोसिटी ये यहां लिख देंगे, यहां देन एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसको मैं नाम दे दूं वी ए बी, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होगा यहां लिख लेंगे ये लाइन लिख करके, देन एवरेज वेलोसिटी। देखो क्या होगा, पहले कहां था पार्टिकल आर नॉट पे और बाद में कहां पहुंच गया आर पर, कितना डिस्प्लेस हुआ आर माइनस आर नॉट, यानी वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट डिवाइडेड बाय टाइम कितना टी माइनस जीरो। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये यदि नोट कर लिया हो आपने तो इसको देखिए, हम इसे लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर इज इक्वल्स टू वी एवरेज, वी एवरेज वेलोसिटी इनटू टी। और एवरेज वेलोसिटी हम ये मान लें कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, तो यू और वी का एवरेज क्या होगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू। एवरेज का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज का कैलकुलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टू बोथ नंबर्स को एड करो और डिवाइडेड बाई टू। सो इफ हम ये कहें, इफ इसको लेट हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर कुछ है एक्स या वाई जो भी है। अब हम ये कहें इफ यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जीरो टी इक्वल टू जीरो पर और ये है टी टाइम पर वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू। हम इसको क्या कर दें, दोनों को प्लस करें और डिवाइड करें किससे टू से, वो क्या आ जाएगा एवरेज आएगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, सो फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन से देखिए, इससे आप लिख सकेंगे क्या आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप ये यहां सब्स्टिट्यूट करिए, जैसे ही आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे वेक्टर u प्लस वेक्टर v डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। अब देखो ये इक्वेशन आ गई। नाउ आपके पास में थोड़ी देर पहले v की वैल्यू आई थी, v की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बट v इज इक्वल्स टू क्या आया था ये आया था, बट v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ये तो डायरेक्शन विशेष के लिए वाई लगा दिया था, यदि वाई नहीं लगाया तो ये इस तरह से लिखना होगा, ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप बी की वैल्यू पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी वो देखिए आप, कि जैसे बी की वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये हो जाएगी आपके क्या वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नोट इज इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस वी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी
डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी। अब देखो यहां से हम ये लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नोट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें यू टी प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको प्लस करें तो ये आएगा वेक्टर आर नो आर माइनस आर नोट इज इक्वल्स टू यू टी टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं ये सारी कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसलिए मैं वेक्टर लगा रहा हूं यहाँ पे। अब आप यहां देखिए आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर इज इक्वल्स टू, टू से ये टू कैंसिल होगा, ये होगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपके पास ये इस तरह से आ गया। एक्स डायरेक्शन में इसको अभी और सोल्व कर सकते हम क्या, देखो इसको लिखा जा सकता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आर नॉट वेक्टर प्लस यू टी प्लस 1/2 वेक्टर ए इंटू टी स्क्वायर। अब इसको एक्स डायरेक्शन में हम पोजीशन वेक्टर एक्स मान लें और एक्स डायरेक्शन में इनिशियल एक्स नोट मान लें और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स मान लें और एक्सेलरेशन ए एक्स मान लें। इन दैट केस वो आपने नोट कर लिया, इन दैट केस हम इसको लिख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन के लिए, फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वेक्टर प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये कौन से डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन के लिए। यदि यहां नहीं दिख रहा तो मैं वहां लिख देता हूं या ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए देखो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आर है उसको एक्स मान लूं मैं तो वेक्टर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वेक्टर प्लस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम मानते हैं यू एक्स तो यू एक्स वेक्टर इनटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन हम लिख सकते हैं इसको वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट वेक्टर प्लस यू वाई वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यहां पे आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज वाई, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड y नॉट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन y डायरेक्शन एंड यू वाई इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड ए वाई इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। और सिमिलरली ये सारे x डायरेक्शन के लिए है, नो डाउट नोट करिए, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में एक पार्टिकल कहा गया है कि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, क्या कहा गया है मैं लिख देता हूं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में कहा गया है ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन with initial velocity, with initial velocity 5
आई आई कैप जान गए होंगे आप डायरेक्शन के लिए है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मीटर पर सेकंड ये u की वैल्यू गिवन है आपको, एक्स डायरेक्शन में है उसका, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यानी एक्सेलरेशन का मतलब a की वैल्यू आपको दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 2i cap + 3j cap इस तरह से आपको गिवन है, क्लियर है। 2i cap + 3j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3i cap + 3j cap ये 2j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज आपको दिया हुआ है 84 meter, देन फाइंड वाई कोऑर्डिनेट, देन क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये आपको कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में समझ गए, एक पार्टिकल है जो किस स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है वो स्पीड आपको गिवन है, दैट मींस कौन सी स्पीड गिवन है आपको ये मैं लिख दूं तो ये आपको u गिवन है, पार्टिकल की जो स्पीड है उसका गिवन होने का मतलब u, और वो कितनी गिवन है 5i cap गिवन है, फिर बाद में उसका एक्सेलरेशन गिवन है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो गिवन है 3i cap + 2j cap, ये उसके क्या है यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन का वो कितना है 84 मीटर है, और आपसे कह रहा है कि क्या कैलकुलेट करिए वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए। तो मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या गिवन हो और क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने में आपको कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, और वो कहां से चलना शुरू करता है ओरिजिन से। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये इक्वेशन आई थी आपके पास में, वो क्या आई थी s है ना इज इक्वल्स टू ut + 1/2 at² यही आई थी, हालांकि ये नहीं आई थी, ये इस तरह से आई थी क्या r इज इक्वल्स टू r0 + 1/2 at², क्लियर ये इक्वेशन थी। लेकिन जब वो ओरिजिन से चलना शुरू करता है तो ओरिजिन के लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन के लिए यदि ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है जीरो होगा, किसके लिए, क्योंकि इनिशियली वो कहां पर है t = 0 पे ओरिजिन पे है, तो ये मैंने कह दिया फॉर ओरिजिन, और उस टाइम आपके पास में जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी वेक्टर r इज इक्वल्स टू मैंने कंप्लीट आर नोट है ना प्लस यूटी भी तो था ut + 1/2 at² तो यहां आप कहेंगे ये जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपके पास में बन जाएगी क्या ut + 1/2 at² यही होगा 80 square। अब यहां पे u की वैल्यू आपको गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 5i, तो ये वेक्टर फॉर्म में है 5i cap × t + 1/2, a की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 3i cap + 2j cap, ये भी किसमें गिवन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम,
सिंप्लीफाई करने के बाद में यहां इस इधर लिख रहा हूं मैं, ये वैल्यू आ जाएगी देखिए टी स्क्वायर में, मल्टीप्लाई में क्या है इसके टी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो देखो इसको, ये आएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 5i कैप इंटू टी, यानी 5t i कैप प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो ये हो जाएगा मैं या प्लस 1.5 i कैप प्लस 1j कैप इंटू टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू बात समझ में आ गई, पहले आप या तो इसको नोट कर लें या मेरे पास स्पेस कम है इसको यहां करके मैं देखो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख दूं, इसको लिख सकता हूं वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 5t i कैप प्लस 1.5 t स्क्वायर i कैप प्लस t स्क्वायर इंटू j कैप, ये है टी स्क्वायर। अब देखो यहां से इसको i वालों को j वालों को अलग अलग कर लो, आप सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास में r इज इक्वल टू 5t और i वाला ये भी है प्लस 1.5 into 1.5 t स्क्वायर i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये बात समझ में आई। अब जो आई कैप वाला है वो एक्स की वैल्यू होती है और जे कैप का कोफिशियंट है वो किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। ये पोजीशन में आपको लिख चुके आप, पोजीशन है ये एक्स है आई कैप के साथ में और जे कैप के साथ में क्या होता है वाई होता है। सो इसको नोट करिए आप, और यदि इसको नोट कर लिया तो आप देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से ये वैल्यू है, हम ये कह दें एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई का कोफिशियंट यानी 5t प्लस 1.5 इनटू टी स्क्वायर एंड वाई है जो जे का कोफिशियंट है वो वाई की वैल्यू है टी स्क्वायर। अब यहां से आप ये देखें कि एक्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिससे t की वैल्यू आ जाएगी और t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, जो कि y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो यहां से हम इक्वेशन से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देखो ये वैल्यू है ये हमारे पास में आ जाएगी 1.5 t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 80 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह से है जैसे अपने पास क्या होती थी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या a की जगह क्या है 1.5, b की जगह पे क्या है 5 और सी की जगह पे -84। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता था वो होता श्री ध्राचार्य फॉर्मूला से -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इससे यदि हम x की वैल्यू ना निकाल करके ये x की जगह किस में इक्वेशन t में है तो यहां से यदि t की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में देखिए b की जगह पे क्या है -5 है तो t की वैल्यू आएगी -5 प्लस माइनस b स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर यानी ये हो गया 25 माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या है 1.5 इंटू c की जगह पे अपने पास है 84 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे कितना है 1.5। तो ये वैल्यू हम निकालते हैं तो ये यहां से देखिए आपके पास में
ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू आ रही है आपके पास टी की, और टी की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस फाइव और प्लस माइनस 25, और ये प्लस हो जाएगा 6 इंटू ये हो गया 84 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस 25 ये आ गया डिवाइडेड बाय 3, और इसको आप प्लस करेंगे तो ये आएगा माइनस 5 प्लस माइनस 529 डिवाइडेड बाय 3, या फिर इसको 23 का होता है, इसका ये 23 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो t की टू वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव आएगी और दूसरी पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो टैकिंग कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव, टैकिंग पॉजिटिव साइन है ना, ये यहां प्लस वाली कंसीडर करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया आपके पास में कितना 18, t की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6 और यूनिट सेकेंड। जब टाइम 6 सेकेंड आ गया तो यहां से ये जो देख रहे हैं ये वैल्यू है ये वाली, ये किसकी है, y की, और y कोऑर्डिनेट ही आपको फाइंड आउट करना था। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस, सो यहां पे इससे आगे लिखेंगे, सो y इज इक्वल टू t स्क्वायर, y इज इक्वल टू t का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 36 और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। इस तरह से हम ये क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नो डाउन नोट करिए, नोट कर लिया। सो देखिए आपके पास में ये आ चुका है टाइम, और टाइम की वैल्यू कितने सेकंड आ चुकी है, 6 सेकंड आ चुकी है। अब देखो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर है। टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 सेकंड, और निकालनी है वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी निकालते हैं तो पोजिशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो पोजीशन क्या थी, पोजीशन जो आई थी वो r इज इक्वल टू क्या आई थी, यही तो आई थी x i कैप प्लस y j कैप, यही होगी। तो पोजीशन को हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू तो क्या है 5t प्लस 1.5t स्क्वायर i कैप, प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी थी t स्क्वायर इनटू j कैप। अब यहां पे देखिए आप, हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी v होती है dr अपॉन dt, यानी इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 5 का तो क्या हो जाएगा, 5t का 5 हो जाएगा, प्लस 1.5 का होगा 1.5 इंटू टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t, ये हो गया आई कैप, प्लस इस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t इंटू जे कैप। अब वेलोसिटी आपको कितने पे निकालनी है, वेलोसिटी एट टाइम कितना आ चुका था 6 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। सो यहां पर कितनी टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें आप, 6 पुट कर दें तो ये आ जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5 और ये 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया 18 आई कैप, यानी टी की जगह जस्ट मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया है 6 सब्सटीट्यूट किया है, प्लस या बी देखिए इस टी की जगह 6 रखेंगे तो 12 जी कैप। अब ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू क्या होगा 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप,
और यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का कांसेप्ट मैं आपको बता चुका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरह से वो मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। तो इस तरह से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है और आपको कहा गया है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। देखो कहा गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, जैसे ऐसे द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t प्लस प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। आई कौन से डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में, जे होता है वाई डायरेक्शन में और के होता है जेड डायरेक्शन में, ये गिवन है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी निकाली। तो आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी निकालते हैं तो जो पोजीशन है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्टली हम वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, यही होगा। अब यहां हम देखें d बाय dt ऑफ r वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अब देखो यहां डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो 3 हो जाएगा i कैप प्लस 2 तो ये है ही, और t स्क्वायर का क्या होगा 2t तो ये क्या होगा 4t j कैप, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर कहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, और वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड लिखेंगे आप, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गई, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, और t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4, इसकी जगह भी 1 रखिए j कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गई। और इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 9 प्लस 16 यानी हो गया 25, और 5 वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। यदि डायरेक्शन निकालनी होती तो क्या होता, टेन इनवर्स 4/3 है ना, थीटा की वैल्यू होती टेन इनवर्स 4/3 यदि हमें डायरेक्शन निकालनी होती तो। नोट डाउन, नोट करिए इसे।